नमस्कार, मैं रिंकू, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और आपसी मित्रता बढ़ाने के इरादे से भारत और चीन की सेनाओं ने नॉर्थ सिक्किम से सटी LAC पर एक हॉटलाइन स्थापित की है। रविवार को चीन के सेना यानी PLS दिवस के मौके पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस हॉटलाइन की शुरुआत की गई। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि सीमा पर परस्पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के इरादे से नॉर्थ सिक्किम के कोगरा लॉ और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दोजांग में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई है। इस हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय मिलिट्री कमांडर्स किसी भी विवाद के दौरान आपस में सीधे बातचीत कर सकेंगे। रविवार को PLA दिवस के मौके पर जब इस हॉटलाइन को शुरू किया गया था, उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडर शामिल हुए और हॉटलाइन पर मित्रता और सद्भाव के संदेश का आदान प्रदान किया। नॉर्थ सिक्किम का ये वही इलाका है जहां पिछले 1.5 साल में कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर झड़प हो चुकी है। एक ऐसी ही धक्का मुक्की का वीडियो भी पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सेना के मुताबिक भारत और चीन की सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच संचार के लिए सुस्थापित तंत्र है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के बीच अलग अलग इलाकों में इस तरह की हॉटलाइन सीमा पर शांति बनाए रखने में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच अब इस तरह की कुल 6 हॉटलाइन हो गई है। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।